सत श्री अकाल जी, किंग्स मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज साडे नाल इत्थे मौजूद ने पंजाबी अदाकार गुलपनाग जी। वो पहलां तो ही इस संघर्ष के जुड़े हुए ने, वो अज इत्थे सिंघू बॉर्डर से पहुंचे ने। आओ उन्होंने गलबात करते हैं। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। मैम जेकर आप गल करिए, मतलब जी अज यह लड़ाई है, ये जमीनी लड़ाई है जी लड़ी जा रही है। जेकर आप गल करिए जी अज, क्योंकि इत्थे महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है, जेकर आप महिलावां दे जमीन दे विच अधिकार की गल करिए, तो ये बारे तुसीं की कहना चाहोगे जी? देखो जी, 20-25% औरतां जिहड़ियां किसानियां किसानी परिवारां च हैगियां, जिहड़ी आप किसानी करदियां है, उन्हां कोल मलिकाना हक नहीं हैगे। तो जिहड़ी प्रॉपर्टी राइट दा जिहड़ा ये इशू है, जे मसला है, ये साडी पेट्रीआर्की च डीपली इंटवाइंड है। सो हुण मसला ये है कि लोग जिहड़े किसानी नाल जुड़े हुए ने ते बिना मालिकाना हक दे भी मेहनत कर रहे ने, उन्हां उत्ते असीं जद तक चर्चा नहीं करांगे ते उन्हां उत्ते जागृति भी खड़ी नहीं होगी। तो जब तक जागृति नहीं आती तद तक मसले का हल भी नहीं निकल सकता। पर एक गल जरूर है कि किसानी किसानी परिवार जिहड़ा हैगा वो बिना औरत दे काम दे खड़ा नहीं रह सकता। तो किसानी एक एक कला एहो जा व्यवसाय है जिथे घर की औरत अपने अपने हस्बैंड दे नाल मोढ़े ते मोढ़ा ला के लगी रहिंदी है। अज जेकर देखा जाए तो महिला किसान दिवस इत्थे मनाया जा रहा, जेकर आप इंटरनेशनल की गल करिए 8 मार्च में जिहड़ा इंटरनेशनल वूमेन्स डे हुंदा हैगा, तो की लगता तुहानू, मतलब इंटरनेशनल वूमेन डे ते जे आप वर्ल्ड दे विच गल करिए तां वूमेनां नूं अधिकार, तो अज जिहड़ा आपां इत्थे स्पैशली देख रहे हैं, अज औरतां नूं जिहड़ा अधिकार दिता जा रहा, स्पैशल जिहड़ा असीं देख रहे हैं वॉलंटियर की ड्यूटी दी जा रही है, किन्ना कु फर्क तुहानू इन्हां दो दिनां दे विच नज़र लगदा देखण नूं मिलदा? देखो जी, पहला बस सवाल ये पूछना पड़ेगा कि महिला दिवस मनाने की लोड़ क्यों पई। तो कई लोग पूछते हैं कि भाई पुरुषों ले बंदियों ले दिवस क्यों नहीं होता। उसका कारण यह कि रोज़ जो दिन है वह पुरुषों का ही दिन है, क्योंकि जिहड़ी जिहनूं आपां पेट्रीआर्की कहने हैं, पुरुष प्रधान सोच जिहड़ी हैगी, जिहड़ी पहल हमेशा बंदियों की लड़कियों की करती है, उहदे करके सारी प्रायोरिटी ते सारी सारा फोकस तो हमेशा बंदियों ते रहा है। तो क्योंकि इत्थे असीं देख रहे हैं किन्नी तादाद च औरतां नाल लगियां हुई ने बंदियां दे, ते ये साफ हो चुकिया है कि औरतां भी बराबर दे नाल किसानी से जुड़ियां हुई हैं। तो जिहड़े लोग जानते ही शायद उन्हां वास्ते ये हैरानी की गल है कि भी औरतां इत्थे क्यों पहुँचिया हुई ने। तो ये एक होर चीज़ भी साबित करता है कि किसानी नूं किन्ना घट समझते ने लोग, जिहड़े इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू ते ने, ते जिहड़े लोग ओह जिहड़े किसानी नाल जुड़े नहीं हुए। असी इत्थे मतलब कुछ लड़कियां आईयां सी, साडियां भैणां आईयां सी, वो वॉलंटियर की ड्यूटी कर रही सी, तां उन्होंने मतलब सानू दस्या कि होर पासे सानू मतलब इन्ना जिहड़ा बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा जिन्ना सानू इत्थे मिल रहा है, ये बारे की कहना चाहिए? ये तो शुरू तो ही जी, जब भी मैं इत्थों आ रही हूँ, मतलब महीना हो गया मैनू इत्थे, 1.5 महीना हो गया इत्थों आउंदी, मैं शुरू तो देख रही हूँ कि जिहड़ी कोआर्डीनेशन कमेटी का जिहड़ा काम हुंदा स्टेज कोआर्डीनेशन का, वो शुरू तो औरतां ते साडी कुड़ियां कर रही ने, स्टूडेंट्स जिहड़ी कर रही ने, जिहड़ी आईयां हुई ने वॉलंटियर कर रही ने, ते जिस तरीके नाल पहरा दे रही ने, जिस तरीके नाल ए स्टेज कंट्रोल कर रही ने, स्टेज का बैकड्रॉप कंट्रोल कर रही ने, ए एक पहल है मैं समझती हाँ कि औरतों नूं ते कुड़ियों नूं बराबर का हक देने। ठीक है जी। उन्होंने गलबात दौरान थोड़ी चीज़ होर भी दसी कि वह अपने मापिया नाल है जिहड़े वह लड़की आई ने, है ना, मतलब किन्ना क फर्क लगता है जिहड़ा मतलब अपने टाइम के पहला तो टाइम के होंगे जी, तो हुण वाले टाइम के भी लड़कियां अपने घरदियां तो लड़ के बाहर आ रही ने? ये बहुत चंगी गल है, क्योंकि जब तक कुड़ियां ते लड़कियां ते औरतां अपने हकों लिए खड़ी नहीं होणगियां, कोई उन्हां नूं थाली ते परोस के हक तो देने लग्या, तो कोई भी हक अजे तक सानू ना तो मिलिया है बिना लड़े तो ना मिलना है। तो हक हमेशा चाहे वह वोट पाने का हक हो, जिवें देखिए इंटरनेशनल तौर पर सानू बिना लड़े वो हक मिल गया, शायद यही कारण है कि असी थोड़े जे पिछे रह गए इक्वालिटी के मामले, क्योंकि सानू कदे साडे बुनियादी हक ले जिहड़ा लोकतंत्र च जिवें 1920s मिलिया है, कई देशों 1940s मिलिया, स्विट्जरलैंड तो बहुत देर च मिलिया है, क्योंकि सानू वो बुनियादी हक ले लड़ना नहीं पिया, सानू अपने हकों की शायद लड़न लई एक आदत नहीं हैगी, तो हुण मैनू लगता वो समा आ चुका है जब औरतां अपने हकों की लड़नगियां। जेकर आप गल करिए साडे
कलाकार भाईचारा है जिहड़ा हैगा चाहे गायक है चाहे वह अदाकार ने वड्डे पद्धर ते इस दे विच शमूलियत कर रहे ने बट जिहड़ा असीं देख रहे महिलावां जिहड़ियां अदाकार ने वह बहुत घट शमूलियत कर रहे तुसीं पहलां ही संघर्ष दे विच जुड़े हुए हो तुसीं उहनां नूं की कहना चाहोगे जां किस नज़रिए तो इस चीज़ नूं देखदे हो तुसीं मैं बस मैं औरतों की गल नहीं करती मैं सारियां नूं बस एक एक सलाह देना चाहुंदी हां कि जे तुसीं अज नहीं बोले ना तो फिर आने वाले समय थोड़े बोलन की हैसियत नहीं रहनी क्योंकि ये मसला हुण किसानी का कला नहीं रहा ये मसला हैगा साडे आने वाले समय जिस तरीके कानून बनाए जाएंगे जिस तरीके थोनू कोर्ट अप्रोच करना थोड़े को अधिकार या थोड़ा हक ले लिया जाएगा या फिर जिस तरीके चर्चा कर दौ कि बई जे भी लोग सरकार के विरोध खड़े ने विद्रोही करार दिता तो ये सवाल जो बुनियादी तौर पर खड़े हो रहे हैं अज इस मसले करके इन बारे जो तुम अज नहीं खड़े होए फिर बाद कदे खड़न का मौका भी नहीं मिलना थोड़ा आप गल करिए जेकर हेमा मालिनी जी का पिछले जो बयान आया कि कहते किसानों नहीं पता बिलों बारे उन्होंने नहीं पता ये फायदे की ने मतलब तो मतलब उन्होंने कहने का यह मकसद कि उन्होंने कुछ पता नहीं या फिर मतलब उन्होंने ये बारे कोई नॉलेज ही नहीं हैगी बारे तुम की कहोगे ये एक अफवाह जी लोगों के दिमाग जी हैगी कि भाई किसान पढ़े लिखे नहीं होंगे किसान अनपढ़ ने पर एक गल इस गल शायद लेके लोग हैरानी समझते हैं हैरान होंगे ने कि जिहड़े बैठे ने इत्थे लोग कानून समझते भी ने ते जिहड़ी इन्हां दी लीडरशिप च बैठे ने किसान जथेबंदी दे लोग वो सारे इस इन कानूनों नूं पढ़ चुके ने ते चंगी तरह इन्हां दी नॉलेज भी रखते ने ते एक सरकार दा रवैया ही हैगा एक तरीके नाल कि मतलब लोगों नूं डिसमिस करना लोगों की इंसल्ट करना ये तो मतलब हुण ये सरकार करदी हुई आ रही है काफ़ी चिर दी ठीक है जेकर आपां गल करिए तां अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी जिहड़ा खेती बिल है इहदा समर्थन किया तो कितना ना कि आप नहीं लगता भी जेड़े मतलब जेड़े लोकल असी कारपोरेट वाले ध्यान दे रहे हैं भी उन्होंने तो इस चीज़ का फायदा होना ही है भी इंटरनेशनल जेड़े बाहरों ने कारपोरेट उन्होंने भी इस चीज़ का फायदा होगा ये तुसी IMF की गल छेड़ के बहुत एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया वो ये है कि भाई इन्हों कंट्रोल कौन करता है अल्टीमेटली तो सारा जो कंट्रोल हैगा इंटरनेशनल बॉडीज़ का वो अमरीका वर्गे देशों तो हो रहा है तुम अमरीका की गल करो चार जिहड़े अमरीकी कंपनियां ने वो सारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उही प्रोक्योर करते हैं चार तो यही वो चाहते हैं साडे देश भी होवे गल तो उही है ठीक है जी हुण आखिरी सवाल पूछूंगा तुहाडे तो जेकर आप पूरे संघर्ष नूं देखिए तो मतलब जिहड़ी चीज़ इत्थों मतलब नज़रअंदाज की जा रही है चलो जमीनी अपनी लड़ाई लड़ी जा रही है इत्थे जिहड़ी वड्डी चीज़ सामने देखण च आ रही है ये सिर्फ एक किसानी का अंदोलन नहीं है इस दे विच मतलब एक चीज़ सानूं बहुत साफ क्लीयर होगी ना तो इस दे विच मतलब कोई हिंदू जात का कोई गैप है ना किसी खेत्र का गैप है ना किसी धर्म का गैप है इसनों असी एक तरीके नाल ये कह सकते हैं कि इंसानियत का कुंभ है तो इसी गल दे करके सरकार हिली बैठी है क्योंकि जिस तरीके नाल इस लोक संघर्ष च लोग कट्ठे होए ने जिस तरीके का एका अज सानूं देखण नूं मिलिया है जिदे करके ये लोक संघर्ष इन्ना वड्डा हो चुका है इहदे करके सरकार हिली बैठी है अज यही गल है तो सरकार नूं कदे अंदाज़ा भी नहीं सीगा कि यह संघर्ष इन्ना वड्डा हो जाएगा कि लोग इस तरीके नाल मतलब जिन्हों शुरू तो वंडे जाने की आदत है वो किस तरीके कट्ठे हो सकते हैं यदा कोई अंदाजा नहीं सका सकता अंत तो लास्ट सवाल यही करूँगा कि मतलब तुसी, लास्ट सवाल तुसी पूछ चुके चलो जी एक आखिरी और पूछ लें मतलब तुसी मतलब किन्निया कुड़ियां नू मतलब नाल लैके आए तुसी दस्सिया जिवें इस दे विच वड्डे संघर्ष दे विच तुसी जुड़े हुए हो मतलब कुड़ियां दा योगदान मतलब मैं असी कल 50 कुड़ियां दा जत्था चंडीगढ़ तो तोरिया है जिहड़ा इत्थे अज अपनी अपना हिस्सा पाउण पहुँचे हुए ने ते बहुत बहुत खुशी हुंदी है देख के कि ये सारे आए हुए हैं इत्थे अपना हिस्सा पाउण इस लोक संघर्ष ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा तां जिवें कि गुलपनाग जी ने दस्या कि किस तरह जिहड़ी लड़कियां की शमूलियत है इस दे विच वड्डे तौर पर है की फर्क है तो क्यों जिहड़ा वूमेनस डे है वह मनाया जाना चाहिए बहुत सारिया होर गल्लां दसियां तो उन्होंने संघर्ष बारे भी गल की इस दे विच खास है होर अपडेट्स के लिए जुड़े रहो साडे नाल किंग्स मीडिया पंजाबी।